असल जैसे ही सारे स्टूडेंट रेड हो जाते हैं ना, तो मुझे फिर बता दो, क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। 5 मिनट वेट कर लेते हैं सबका, फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जी फैसल, आए सब आ गए कि नहीं? मुझे तो अभी तक सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, वो भी पता नहीं स्टूडेंट्स हैं या मैनेजमेंट के। जरा क्लियर करना मुझे फैसल।
अच्छा जी, सब आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। मुझे जरा कोई भी एक जो है रिस्पॉन्स कर दे कि अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी। कोई एक मुझे रिस्पॉन्स कर दे अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी। अरसलान, अरसलान यासीन, आपको आवाज क्लियर आ रही है तो आप जरा या तो हैंड रेज कर दें या। अच्छा, कोई भी नहीं बता रहा। मैं कैसे कंफर्म करूं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा चलो, थैंक सब यू चैट जीशान, चेक कर लें। चलें, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी चलें, जो हमारा टॉपिक था जिसको कल हमने पॉज कर दिया था, उसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। पीपीसी के टॉपिक को मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही, स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबके साथ। अच्छा जी, तो जो हमारा टॉपिक है वो अमेजोन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट आर द अमेजोन एड्स प्राइसिंग फीस, के अमेजोन के ऊपर जो पीपीसी चलाती है उसकी एड या फी क्या होती है। मैंने आपको ये बात काफी दफा रिपीट की है कि जो अमेजोन के ऊपर हम एड चलाते हैं वो क्योंकि पीपीसी है, पे पर क्लिक है, इसके लिए हमें बिड देनी पड़ती है और जो हम बिड देते हैं उसके अगेंस्ट ही हमारे अमेजोन पैसे चार्ज करता है। सही है, तो अभी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वो मैं बता रहा जी कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ठीक है सर, मैं आपको सेंड करवाता हूँ लिंक। अच्छा जी, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स आर परचेज्ड ऑन अ कॉस्ट पर क्लिक बेसिस। ठीक है जी, इसके ऊपर अमेजोन जो फीस चार्ज करता है वो क्या करता है जी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, एक क्लिक के ऊपर जितना हमने अमेजोन को कहा होगा ना, बिड दी होगी, मसलन हमने बिड दिया है $1, तो वो पर क्लिक के ऊपर $1 डिडक्ट करेगा। एक बात कि वो पर क्लिक के ऊपर $1 डिडक्ट करेगा। दूसरा, वो हमसे डेली बजट मांगता है। लेट्स सपोज हमने डेली बजट दिया $10 और हमने बिड दिया $1, तो कितने क्लिक्स के बाद हमारा वो एड का बजट खत्म हो जाएगा? 10 क्लिक्स के बाद। 10 क्लिक्स के बाद जब हमारा एड का बजट खत्म हो जाएगा तो वो हमारी एड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, वो फिर अमेजोन उसको रन नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो डेली बजट है वो खत्म हो चुका होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट वो बता रहा है जी, यू पे फॉर योर एडवर्टीजमेंट्स ओनली व्हेन अ पोटेंशियल कस्टमर क्लिक्स ऑन द एड। हम इस बात को बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। यू आर इन द कंट्रोल ऑफ अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड पर क्लिक एंड हेंस द अमाउंट यू स्पेंड ऑन एड्स। अब हम बात करते हैं कि ये ऑक्शन जो पीपीसी की ऑक्शन है, पीपीसी की जो बोली है या बिड है जिसको हम बार बार अभी रिपीट करेंगे, ये किस तरह वर्क करती है? वो बता रहा है जी, द कॉस्ट पर क्लिक फॉर ईच एड ऑन अमेजोन इज डिटरमाइंड इन अ सो कॉल्ड सेकंड प्राइस ऑक्शन। ईच एडवर्टाइजर सबमिट्स अ डिफॉल्ट बिड, द मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे पर क्लिक फॉर देयर एड। मैंने आपको बताया ना, हम बिड लगाते हैं, हम बिड लगाते हैं, हमने जो कैंपेन चलानी है उस कीवर्ड के ऊपर, जिस पे चलानी है, हम उस कीवर्ड के ऊपर बिड लगाएंगे। हमने बिड लगा दी 0.70 सेंट्स। इसका क्या मतलब है कि हम अलाउ कर रहे हैं अमेजोन को कि जैसे ही हमारी एड पे कोई क्लिक करे तो हमने जो बिड दिया वो अमाउंट हमारे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी? अब ये जो बिड है इसका हमें क्या फायदा होता है? सर, पीपीसी की जो एड है इसकी एक बकायदा एड रैंक होता है और हमें वो एड रैंक ही विन करना होता है। सिर्फ आप बिड ज्यादा करके वो अच्छी अच्छी पोजीशन या अच्छा रैंक नहीं ले सकते कि आप कह दें कि जी मैंने $1 या $1.5 या $2 बिड दे दी है अमेजोन को। अब $2 मेरी हाईएस्ट बिड है तो अमेजोन मुझे वो पोजीशन देगा ही देगा, मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेशन देगा ही देगा, ऐसे नहीं होता। सिर्फ बिड बढ़ाने से ही आपको पोजीशन नहीं मिलती, आपको एड रैंक विन करना होता है। एड रैंक जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एड रैंक आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक चीज है, नोट कर लीजिएगा सारे, एड रैंक आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक चीज आपकी बिड है और दूसरी चीज है आपके 3 से 4 डिफरेंट फैक्टर्स। सही है?
अब एक तो हो गई बिड, और दूसरी तीन से चार डिफरेंट फैक्टर्स क्या है, उनमें रेलिवेंसी आएगी कि जिस कीवर्ड के ऊपर या जिस प्रोडक्ट के ऊपर या जिस कैटेगरी के ऊपर आपने एड चलाई है वो कितनी रेलिवेंट है, ये चीज भी मैटर करती है आपको एड रैंक देने में। दूसरे नंबर पे जिस प्रोडक्ट को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट कैसा है, उस प्रोडक्ट का क्लिक थ्रू रेट कैसा है, उसकी सेल हिस्ट्री कैसी है, ये डिफरेंट फैक्टर्स और बिड, ये दो चीजें मिलके, डिफरेंट फैक्टर्स मिलके प्लस बिड, ये चीजें मिलके आपकी एड रैंक जो है आपको देती है जी। समझ आइए यहाँ तक, ये एड रैंक आपको कैसे मिलता है जी, जरा हैंड रेज करें अगर आपको समझ आई है यहाँ तक, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीपीसी का। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया कि एड रैंक कैसे मिलता है तो हैंड रेज करें जी। अच्छा, कोई भी अल्लाह का बंदा हैंड रेज नहीं कर रहा अभी। मैं अब इसको क्या समझूं कि आपको समझ ही नहीं आई या बहुत ज्यादा समझ आ गई। एक हैंड रेज हुआ है अरसलान। सर चैट चेक कर लें प्लीज। चैट 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 में मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, मैंने आगे भी ओपन की है। चलो खैर जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बता रहा है जी, द हाईएस्ट बिडर, जिस बिड सबसे ज्यादा होगी विंस द हाईएस्ट एड पोजीशन, यानी कि एड रैंक नंबर वन मिलेगा एंड ऑल्सो पे द हाईएस्ट सीपीसी, और वो हाईएस्ट कोस्ट पर क्लिक देगा बट द हाईएस्ट। अच्छा एक चीज मेरी बात सुन ले, ये जो लाइन इधर लिखी है ना कि जिसकी बिड ज्यादा होगी उसको एड रैंक ज्यादा मिलेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये लाइन में थोड़ी सी जो है ना मिसकंसेप्शन है। एड रैंक के साथ साथ, हाई बिड के साथ साथ आपके वो डिफरेंट फैक्टर्स अच्छे होने चाहिए कि वो कीवर्ड रेलिवेंट हो, आप जिस प्रोडक्ट को एड में रन करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री, उसका कन्वर्जन रेट, उसका क्लिक थ्रू रेट, यानी कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तब ये दो चीजें मिलके आपको एड रैंक देती हैं। तो आपने ये पहली लाइन के ऊपर नहीं रहना किसी ने भी, सही। उसके बाद वो कहता है जी, जिसकी बिड ज्यादा होगी और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी वो दोनों मिलके एड रैंक वन मिलेगा, और वो हाईएस्ट बिड हाईएस्ट कॉस्ट भी पे करेगा। ऑब्वियसली बिड हाई की है तो आपको हाईएस्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, सही है। सर रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ बताया कि ये पहली लाइन लिखी हुई है इधर, द हाईएस्ट बिडर विंस द हाईएस्ट एड पोजिशन, यानी कि एड रैंक पीपीसी के ऊपर आपको एड पोजीशन मिलती है। मैंने आपको बताया आपको अमेजोन डिफरेंट एड पोजीशंस पे दिखाता है, और हमें पीपीसी पे वो एड रैंक या एड पोजीशन विन करनी होती है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें वो विन करनी पड़ती है। अब एड रैंक आपको ये लाइन बता रही है कि हाईएस्ट बिड के ऊपर आपको अच्छा एड रैंक मिलेगा, लेकिन एड रैंक आपको अच्छा मिलेगा लेकिन सिर्फ हाईएस्ट बिड ही आपको अच्छा एड रैंक नहीं देगी, हाईएस्ट बिड के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस लिस्टिंग की, जिसके अंदर क्लिक थ्रू रेट अच्छा होना चाहिए, कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, रेलिवेंसी हाईएस्ट होनी चाहिए, और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। ये दो चीजें, परफॉर्मेंस और बिड, ये दोनों चीजें मिलके आपको एड रैंक मिलता है, ये मैंने आगे बताया था। क्लियर है जी यहाँ तक आप सबको। अब नेक्स्ट आ गया जी के जिसकी बिड ज्यादा होगी वो हाईएस्ट सीपीसी, यानी कि पर क्लिक कॉस्ट जो है वो भी देगा, बट द हाईएस्ट बिडर डज नॉट पे द अमाउंट दे बिड। ये बात जी बड़ी टेक्निकल है, इसका कहने का मकसद ये है कि चार लोग अगर सीपीसी बिड लगा रहे हैं, पीपीसी चला रहे हैं, उन चारों में से आपने सबसे हाईएस्ट बिड रख दी $2, किसी ने भी $2 नहीं रखी थी, चार लोगों में से हाईएस्ट बिड आपकी $2 है, तो इसका क्या मतलब है कि जब अमेजोन पे उस एड पे कोई क्लिक करेगा तो हाईएस्ट बिड आपकी है, हाईएस्ट चार्ज करेगा अमेजोन आपसे $2? नहीं, वो ये कह रहा है कि हाईएस्ट बिडर डज नॉट पे द अमाउंट दे बिड,
जिस बंदे ने हाईएस्ट बिड लगाई होती है ना, वो हाईएस्ट अमाउंट ही पे नहीं करता, जो बिड उसने लगाई है वो वही पे नहीं करता। हाईएस्ट बिडर पेज ओनली 0.01 मोर देन द सेकेंड हाईएस्ट बिड। क्लियर हुई जी बात यहां तक? उसका कहने का मतलब ये है कि जब आप पीपीसी के ऊपर बिड लगाते हैं और आपकी उन चार बंदों में से आपकी सबसे हाईएस्ट बिड थी $2, तो आपको $2 ही चार्ज नहीं पड़ेगी अमेजोन से। अमेजोन जब पीपीसी पे कोई क्लिक करेगा तो अमेजोन आपसे $2 चार्ज नहीं करेगा। जो आपके बाद हाईएस्ट बिड होगी ना, उसके अंदर 0.01 ऐड करके फिर उतने डॉलर चार्ज करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपको $2 से कम ही पड़ रहे होंगे। मसलन मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज आपने हाईएस्ट बिड लगाई थी $2, सही है? उस $2 से जो लोएस्ट हाईएस्ट बिड थी, लोएस्ट यानी कि सेकंड हाईएस्ट बिड थी, वो थी $1.70, 30 सेंट्स कम। तो अमेजोन क्या करेगा, वो 1.70 में 0.01 ऐड करेगा। जब भी कोई ये आपकी पे ऐड पे क्लिक करेगा, वो आपसे $2 नहीं काटेगा, वो आपके 1.70 पे 0.01 ऐड करेगा और उतनी अमाउंट काटेगा जो कि आपकी बनती है, लेट मी कैलकुलेट इट, 1.70 प्लस 0.01। तो अमेजोन आपसे $1.71 डिटेक्ट करेगा, यानी कि आपने जो बिड लगाई थी उसमें से अमेजोन आपको $0.29 डिस्काउंट दे देगा। सेकेंड हाईएस्ट बिड में 0. आपको नहीं पता, ये नहीं आपको पता चल सकेगा कभी भी कि सेकेंड हाईएस्ट बिड क्या है और आपकी बिड हाईएस्ट है कि नहीं हाईएस्ट, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आपकी सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक है, वो हमेशा आपसे जो दूसरे नंबर पे बिड होगी उसमें 0.01 ऐड करके अमेजोन आपसे डिडक्ट किया करेगा। क्लियर है जी यहाँ तक कंसेप्ट सबको? नहीं, आपको नहीं पता चलेगा हाईएस्ट बिड आपकी है या किसकी है, नहीं। लेकिन हमेशा जो सीपीसी पड़ेगी वो आपसे निचले वाले से 0.01 ऐड करके अमेजोन काटा करेगा। मसलन आपने अगर $1 लगाई है, तो $1 से नीचे जिसकी होगी उसमें 0.01 ऐड होगा, तो उतनी सीपीसी पड़ेगी। इस तरह है। जी, ये तो टेक्निकल बात है, बस ये इतनी भी टेक्निकल नहीं है, आपको अब पता चल गया। बस ये देखिए, वो बता रहा है कि एडवर्टाइजर वन जो है उसने बिड लगाई है 3.50, एडवर्टाइजर टू ने 3.10 लगाई है, एडवर्टाइजर थ्री आया उसने $4 बिड लगाई। तो जो $4 बिड है, ठीक है, $4 बिड है, इसके ऊपर जब क्लिक पड़ेगा तो अमेजोन कितनी काटेगा, $4 से कम कौन सी है, 3.50। वो 3.50 में 0.01 ऐड करेगा, 3.51 काटेगा, ठीक है? अगर 3.50 ज्यादा होती तो वो 3.50 के पास पास कौन सी सेकंड हाईएस्ट थी, 3.10, वो इसमें 0.01 ऐड करता तो 3.11 काट लेता। क्लियर है जी? इस तरह ये आपकी बिट चलती, यही चीज वो इधर बता रहा है इस वाले पैराग्राफ में। तो इस तरह आपकी ये ऑप्शन जो है ये वर्क करता है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? एवरेज कॉस्ट पर क्लिक किया जी, वो कहता है जी amazon.com यानी कि यूएसए में जो टिपिकली सीपीसी रेंज चल रही है वो 0.02 to $3 तक चल रही है सीपीसी, यानी कि आपको पर क्लिक अमेजोन इतने चार्ज कर रहा है। एवरेज सीपीसी जो है वो वेरी कर सकती है, प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, मार्केट प्लेस पे डिपेंड करता है, एड टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिडन फीसेज एसोसिएटेड विद है अमेजोन पे, तो उसका शॉर्ट आंसर है नो, कोई हिडन फीसेज एसोसिएटेड नहीं है। अमेजोन पीपीसी इम्प्रूव ऑर्गेनिक रैंक फॉर एफबी एंड एफबीएम प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक रैंक आपका इम्प्रूव करता है। कैसे करता है कि आपने जिस कीवर्ड के ऊपर पीपीसी चलाई है, उस कीवर्ड पे जब सेल्स आएंगी उसका स्पॉन्सर्ड रैंक भी इम्प्रूव होगा, एक बात, और उसका जब उस कीवर्ड पे एक सेल आएगी तो बीएसआर इम्प्रूव होगा। जब बीएसआर इम्प्रूव होगा तो वो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनिक रैंक भी इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए आपकी पीपीसी जिन जिन कीवर्ड्स पे चल रही होगी उन कीवर्ड्स का ऑर्गेनिक रैंक वो बेशक एफबीएम हो बेशक एफबीओ इम्प्रूव होगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं जी द बेसिक्स ऑफ अमेजोन पीपीसी की जो बेसिक थिंग्स हैं जो कि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वो देख लेते क्या है।
वो कहता है इन ऑर्डर टू रन सक्सेसफुल अमेजोन पीपीसी एड यू नीड टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमेजोन पीपीसी बिलो यू हैव समराइज द की कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो कि एक एडवर्टाइजर को पता होनी चाहिए। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले आया था टारगेटिंग, कि जब भी आप पीपीसी की बात करेंगे तो एक टर्म से आप फेमिलियर होंगे टारगेटिंग, टारगेटिंग के प्रोडक्ट टारगेटिंग है, एसएन टारगेटिंग है, जो मैंने कल भी बताया कि कीवर्ड टारगेटिंग है। मैं यानी कि हमारी पीपीसी अमेजोन की दुनिया में हमारी जबान ये चल रही होती है, अच्छा यार ये वाली कैंपेन मेरी ना कीवर्ड टारगेटिंग की कैंपेन है, मतलब क्या इसका कि इसमें मैंने कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं, मैंने ये कैंपेन कीवर्ड के ऊपर चलाई है। अगर मैं कहता है ये कैटेगरी टारगेटिंग कर रही है तो इसका मतलब मैंने किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके उस कैटेगरी के ऊपर कैंपेन रन की है। अगर ये टारगेट कर रही होती किसी प्रोडक्ट को तो मैं कहता ये मेरी एसएन टारगेटिंग है या मेरी प्रोडक्ट टारगेटिंग की कैंपेन है। क्लियर है जी यहां तक बात? इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ देता हूं मैं इसकी एक्सप्लेनेशन। व्हेन यू सेट अप योर Amazon PPC campaign, you can choose to target your ads based on keywords, product, SN categories on Amazon as well as remarketing on external website to audiences that viewed certain products or target object on the ad type. Clear hai ji, targeting clear ho gaya. Uske baad search term versus targets, keyword. Acha search term kya hai? Maine aapko bataya tha search term kuch bhi nahi hai. कीवर्ड्स को ही सर्च टर्म का नाम दे दिया जाता है अमेज़न की ज़बान में। जब वो सर्च टर्म अमेज़न के सर्च बार में वो कीवर्ड यूज होता है तो अमेज़न उस कीवर्ड को जब हमें देता है तो बताता है ये सर्च टर्म है। क्लियर है? मसलन हो सकता है किसी ने गार्लिक प्रेस ही लिखा है सर्च बार में, तो जब सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो सर्च टर्म में गार्लिक प्रेस लिखा आ रहा होगा। सर्च टर्म बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जिनको कस्टमर यूज करता है किसी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, तो अमेज़न उनको सर्च टर्म कह देता है, हम उनको कीवर्ड्स कह देते हैं। सही है? तो डेफिनेशन देख लेते हैं, मोर क्लियर हो जाएगा आपको जी। सर्च टर्म रेफर्स टू एनी सर्च क्यूरी, कोई भी सर्च क्यूरी जो कस्टमर ने अमेज़न की सर्च फील्ड में टाइप की, और फॉर प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट द एस इन द एड अपीयर्स ऑन। ठीक है, जो के सर्च क्यूरी किसी कस्टमर ने अमेज़न की सर्च बार में प्लेस की है और उसके अगेंस्ट हमारी जो भी एड या तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे शो हुई है या सर्च रिजल्ट्स में शो हुई है, तो उस एड के अगेंस्ट अमेज़न हमें बता देता है कि इस एड पे ये आपकी कीवर्ड की एड थी, ये कीवर्ड आपने टारगेट किया था और ये कस्टमर ने सर्च किया है, तो ये आप सर्च हुआ है और ये आपका कीवर्ड था इसलिए आपकी एड शो हो गई। समझ रहे हो? समझ आ रही है जी बात आप सबको? के सर्च टर्म क्या है जी? वो सर्च क्यूरी है जो कि कस्टमर अमेज़न के सर्च फील्ड में टाइप करता है और जिसके अगेंस्ट हमारी एड किसी ना किसी प्लेसमेंट पे शो होती है, तो फिर हमें अमेज़न बताता है कि आपकी ये एड इस सर्च टर्म के अगेंस्ट मैंने शो करवाई है। ठीक है, आपको सर्च टर्म्स का भी पता चल जाता है कि अच्छा मैंने ये कीवर्ड मसलन मैंने यूज किया था गार्लिक प्रेस, अब मुझे गार्लिक प्रेस पे इतने इंप्रेशन पड़े, मैं देखूं ये इंप्रेशन किस किस सर्च टर्म में पड़े, तो आप वो सर्च टर्म देख सकते हैं, तो अमेज़न आपको बता देगा जी कि यूजर ने भी गार्लिक प्रेस लिखा था, आपका भी गार्लिक प्रेस था, मैंने शो करवा दिया। यूजर ने लिख दिया जी बेस्ट गार्लिक प्रेस, आपका भी गार्लिक प्रेस था, मैंने शो करवा दिया। डिपेंड करेगा कि हम कीवर्ड की मैच टाइप क्या यूज करते हैं, वो मैच टाइप ये नेक्स्ट वाला जो है ना ये आ जाएगा, तब आपको मोर क्लियर हो जाएगा जी कि मैच टाइप से क्या मतलब है मेरा। अच्छा, टारगेट रेफर्स टू व्हाट यू एज द एडवर्टाइजर बिड ऑन इन योर एड कैंपेन्स, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कीवर्ड्स एसेंस और टारगेटेड डिपेंडिंग ऑन मैच टाइप। वही बात होगी जी जो मैंने बताई है कि किस मैच टाइप के अगेंस्ट आपके कीवर्ड के अगेंस्ट कौन सी सर्च टर्म बनती थी, अमेज़न ने उस सर्च टर्म के अगेंस्ट आपकी एड शो करवा दी। अब मैच टाइप क्या होता है, बेसिकली नोट कर लें जी ये सारे, कीवर्ड मैच टाइप डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ मैच बिटवीन कीवर्ड एंड कस्टमर सर्च टर्म। बेसिकली जिस कीवर्ड के अगेंस्ट, जिस कीवर्ड के ऊपर आप कैंपेन चलाएंगे ना, तो अमेज़न हमसे उस कीवर्ड की मैच टाइप पूछता है कैंपेन चलाते वक्त कि आप इस कीवर्ड को किस मैच टाइप में चलाना चाहते हैं। वो मैच टाइप आपको हेल्प करेगी कि कस्टमर क्यूरी में और आपने जो कीवर्ड यूज किया है
टारगेटेड कीवर्ड और कस्टमर क्यूरी की जो यानी कि सर्च टर्म और कीवर्ड के दरमियान कितना मैच है तो आपकी एड हमें दिखानी चाहिए, ये आप लोग अमेजोन को बताते हो मैच टाइप डिसाइड करके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैच टाइप है 3 टाइप्स की, ब्रॉड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप और एग्जैक्ट मैच टाइप। कितनी टाइप्स की है जी? 3 टाइप्स की, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। जब भी आपने कोई कीवर्ड चलाना है तो जब आप ब्रॉड का चलाएंगे तो वो अमेजोन मैच टाइप पूछता है, जब आपने तीनों में से एक मैच टाइप सिलेक्ट करनी है कैंपेन स्टार्ट करते वक्त। और ये मैच टाइप डिपेंड करेंगी कि किस कितने डिग्री ऑफ मैच यानी कि कितना परसेंट आपका कीवर्ड और कस्टमर साइट में मैच होना चाहिए तो आपकी एड शो हो, अदरवाइज आपकी एड शो ना हो। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि यहां तक अगर किसी को कोई क्यूरी है तो बताएं जी। ये थोड़ा सा जरा ओवर हो सकता है जी, आपको किसी को कोई क्यूरी है जी तो मुझसे कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी निशान साहब बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या वैसे हैंड रेज कर रहे हैं निशान? अनम्यूट करो खुद को। निशान आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, सर हाँ जी, हमें किसी एक चीज को टारगेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कीवर्ड को जैसे, या प्रोडक्ट को या सर ब्रांड को? ये तो जब हम कैंपेन मैं आपको रन करनी दिखाऊंगा उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे ना। अभी तक जो हमने पढ़ा है आप उसका मुझे बताएं, उसमें आपको क्या कंफ्यूजन है? ये तो आपका मजबूत क्वेश्चन है कि हम कैसे टारगेट करते हैं, वो तो जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने कीवर्ड वाला सिलेक्ट करना है या कैटेगरी वाला सिलेक्ट करना है या प्रोडक्ट वाला सिलेक्ट करना है या कैसे आपने ये मैच टाइप सिलेक्ट करनी है कीवर्ड की। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं मुझे। नहीं, टारगेट पे ही था। जी हाँ जी चलें, ये तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जाएगा। जी वसीम साहब क्वेश्चन करें जी। हेलो जी वसीम साहब क्वेश्चन करें। हेलो जी अस्सलाम वसीम वालेकुम साहब, जी वालेकुम असलाम। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें ब्रॉड या फ्रेज या एग्जैक्ट किसको फोकस करना चाहिए ज्यादा जब हम ये कर रहे सर होते हैं? जी, जब आप कैंपेन चला रहे हैं ना, अच्छा ये जी ना ये टोटली आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, ठीक है? अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा ना कि ब्रॉड क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, यानी कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि इनकी जो मैच की परसेंटेज है वो डिफर कैसे करती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं। सही है? बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो, या ये क्वेश्चन आप बाद में करना जब मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बताऊंगा, फिर अगर आपका ये क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे दोबारा करना, तब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि मैं किस तरह इन चीजों को यूज करता हूँ। शायद उसकी आपको जरूरत ही ना पड़े जब आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ आ जाए। क्लियर है जी? जी इधर ये आईफोन वाले भाई हैं जी। हाँ जी आप करें जी क्वेश्चन। मैंने ये अनम्यूट कर दिया जी, जिनका नेम आईफोन लिखा आ रहा है तो काइंडली आप क्वेश्चन करें वरना हम आगे स्टार्ट करें। में फॉर एग्जाम्पल ये किचन की कोई एसेसरी है, उसमें हम फॉर एग्जाम्पल नाइफ है, अगर हम उसको किचन लिखेंगे तो ये ब्रॉड में आ जाएगा मेरे ख्याल में। एग्जैक्ट उसको हम नाइफ लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट में आ जाएगा, नहीं तो सर मेरे ख्याल में ये आपने क्लास नहीं में नहीं मैंने जो जो मैंने तब क्लास में बात की थी वो मैंने कीवर्ड की बात की थी रेलिवेंसी के हिसाब से। मैंने जी रेलिवेंसी के सर हिसाब से कहा था कि ये ब्रॉड है या ये बहुत पास है, लेकिन ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में जो कीवर्ड टारगेटिंग, ये टारगेटिंग की मैच टाइप है। इन्होंने आपको टारगेट करने के लिए आपको जो है ना मैच करना है,
ये और ये डिफरेंट चीज है उनसे, ठीक जी सर। है। तो इस पे आते हैं जी, आईफोन वाले सवाल करें जी। जी, मैं मेरे ख्याल में आईफोन वाला ही हूँ, शायद कोई और भी हो शायद। अच्छा, वो आगे वसीम साहब। अच्छा वसीम साहब, मैं समझा पहले वसीम साहब करें जी। वसीम साहब आप करें क्वेश्चन जी। जी वसीम साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हैंड डाउन कर लें जी, हम आगे आगे चलते हैं। चलें हम आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब पहले हम ये बात कर लें कि ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट क्या है। मैं ना इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे ये गूगल का सर्च बार खोल के वैसे दे देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट क्या है जी। अच्छा लेट्स सपोज आप जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे हैं वो कीवर्ड है गार्लिक प्रेस, लेट्स सपोज, ठीक है। यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि इस कैंपेन को ब्रॉड मैच टारगेटिंग में चलाऊं, फ्रेज मैच टारगेटिंग में चलाऊं, या कीवर्ड मैच टारगेटिंग में चलाऊं, ठीक है। अब वन बाय वन हम इनका डिफरेंस जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं सर। सर ब्रॉड का डिफरेंस ये है, अगर आप गार्लिक प्रेस को ब्रॉड मैच चलाओगे सर्च बार में अमेजोन के, अगर कोई प्रेस लिख देगा अकेला तब भी आपकी प्रोडक्ट आने के चांसेस हैं, ब्रॉड की बात कर रहा हूं। अगर कोई केला गार्लिक लिख देगा तब भी आपकी प्रोडक्ट आने के चांसेस हैं। अगर कोई अकेला गार्लिक किचन लिख देगा तब भी आपकी प्रोडक्ट आने के चांसेस हैं। प्रेस किचन लिख देगा तब भी, यानी कि वो जो दो वर्ड्स थे आपके गार्लिक प्रेस के जो आपने ब्रॉड में चलाए, वो दोनों इकट्ठे आ जाए, उन दोनों में से कोई एक किसी भी कस्टमर की क्यूरी में आपकी ऐड आने के चांसेस हैं। जहां तक समझ लगी है जी किसी को, तो मुझे जरा काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके बताएं अगर ब्रॉड की समझ आ गई है। जिन वर्ड को आप टारगेट करेंगे उस कीवर्ड में तीन वर्ड हैं, उस कीवर्ड में चार वर्ड, उस कीवर्ड में एक वर्ड है, उस कीवर्ड में दो वर्ड है। जितने भी वर्ड हैं उन सारे वर्ड में से कोई एक वर्ड भी कस्टमर की किसी भी क्यूरी से रिलेटेड सर्च में आ जाएगा, उसकी सर्च टर्म में लिखा जाएगा, तो चांसेस हैं अमेज़न आपको आपकी ऐड को उसके ऊपर शो करा दे। ये होता है ब्रॉड। सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता, किसी ने लिख दी ना प्रेस किचन गार्लिक, हमने क्या टारगेट किया था गार्लिक प्रेस ब्रॉड में, लेकिन किसी ने लिख दिया प्रेस किचन गार्लिक। सर प्रेस किचन गार्लिक के ऊपर भी आपकी ऐड आनी आनी है अमेज़न के ऊपर, क्योंकि आपने रोड के ऊपर कैंपेन चला। गार्लिक प्रेस को हम टारगेट कर रहे थे, दोनों कीवर्ड में से कोई एक कीवर्ड आ जाए तब भी ऐड शो होनी है, दोनों कीवर्ड आ जाए तब भी ऐड शो होनी है, दोनों कीवर्ड आगे पीछे आ जाए या उनके दरमियान में कोई वर्ड आ जाए या उनके दरमियान में हजारों वर्ड आ जाए, जैसे भी हो जाए, जिस मर्जी कॉम्बिनेशन के साथ आ जाए, उन दोनों में से एक भी कीवर्ड अवेलेबल हुआ या दोनों अवेलेबल हुए, आपकी एड अमेजोन ने शो करवा देनी है गार्लिक प्रेस ब्रॉड के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है जी, तो मुझे बताएं काइंडली। सर ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, मैं इसलिए जरा इनको स्लो लेके चल रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है जी तो मुझे बताएं, और काइंडली यार जल्दी रिस्पॉन्स करो, मैं आगे चल पड़ूंगा, आप फिर कहोगे कि जी ये समझ नहीं। जी शकील साहब को तो समझ आ गई, कोई और बंदा है जी? हाँ जी राणा साहब को भी समझ आ गई जी। चले भाई सबको ही समझ आ गई, हम इसको ज़ूम करते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी। ब्रॉड हमारा क्लियर हो गया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेज, कि जो हम फ्रेज टारगेटिंग करते हैं उसका क्या फायदा है। सर मैंने टारगेट किया गार्लिक प्रेस कीवर्ड को, अब मैंने गार्लिक प्रेस को कैंपेन में टारगेट किया फ्रेज मैच के साथ। सर फ्रेज मैच का काम क्या है, उसने कहना है कि ये गार्लिक प्रेस इसी सीक्वेंस में पहले गार्लिक आता हो फिर प्रेस आता हो, इसको फ्रेज कहते हैं। ऐसे ही है ना, गार्लिक प्रेस फ्रेज में आए इसी सीक्वेंस में, कि पहले गार्लिक लिखा हो फिर फ्रेज प्रेस लिखा हो, ऐसे चलेगा।
फ्रेज में चलेगा तब तो आन गया नहीं मारी ऐड, लेकिन अगर हम इसके आगे पीछे किचन लिख दिया, मैंने स्टार्ट में मैंने लिख दिया टूल्स, टूल गार्लिक प्रेस किचन, सर तब भी हमारी ऐड आएगी क्योंकि हमने चलाई है फ्रेज में। फ्रेज का मतलब ये है कि उस कीवर्ड में जितने वर्ड थे और जिस सीक्वेंस में वो है उसी सीक्वेंस में वो पूरे का पूरा कीवर्ड लिखा हो सर्च बार में, उसके आगे पीछे जो मर्जी कीवर्ड लिखा हो अमेजोन ने आपकी ऐड शो करवा देनी, ये फ्रेज है। ब्रॉड में क्या हमने देखा था, ब्रॉड में हमने देखा था कि जो कीवर्ड उस जो वर्ड उस कीवर्ड में मौजूद होंगे बेशक उन वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो हमारी ऐड शो होने के चांसेस हैं। लेकिन फ्रेज में क्या फर्क है कि जो कीवर्ड होगा उसके अंदर जो वर्ड होंगे जिस सीक्वेंस में होंगे उसी सीक्वेंस में वो अगर कस्टमर की क्यूरी में आएंगे आगे पीछे जो मर्जी हो स्टार्ट में या एंड पे, वो एग्जैक्ट सीक्वेंस उस सर्च टर्म में अवेलेबल हो मौजूद हो तो हमारी एड अमेज़न शो करवा देगा। क्लियर हुआ जी यहां तक? एड के बिना जी आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होनी, ये इस क्वेश्चन को लास्ट में लेते हैं, अभी जो मैं कर रहा हूँ आप उसका बताएं, ये हमारे हमारे ट्रैक से हमें आउट कर देगा क्वेश्चन। हाँ जी फ्रेज की समझ आई है जी, तो जरा रिस्पॉन्स दें जी मुझे, फ्रेज की समझ आई है जी? जी असलाम साहब को फ्रेज की समझ आ गई जी, कोई और भी एक आधा बता दे, ठीक है जी आपको भी आ गई, ठीक है राणा साहब को भी आ गई, चले जी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं जी कि सबको समझ आ गई फ्रेज की। हाँ जी आईफोन साहब क्वेश्चन करें, सॉरी यार मुझे आपका नाम नहीं पता तो सामने आईफोन लिखा रहा इसलिए मैं। हाँ जी आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हेलो कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी, नहीं तो मैं चलें आगे चलते हैं फिर हम। जी सर क्वेश्चन यही है। हाँ जी हाँ जी जी सर काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं हम खुद से अनम्यूट नहीं कर सकते ना, वो फिर उधर से करते हैं इसलिए क्वेश्चन लेट हो जाता है फिर। जी जी तो करें। जी अगर सर आपने बोला टूल किचन गार्लिक प्रेस हम लिखेंगे, ये फ्रेज की कैटेगरी है, फ्रेज में आ जाएगा मसलन ये, नहीं, नहीं। तो आपने सर यही बताया कि अगर कोई कस्टमर जो है वो एग्जैक्टली जी सर जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फ्रेज में नहीं आएगी कैटेगरी, बेसिकली फ्रेज कहता ये है कि जोन सा कीवर्ड आपने फ्रेज में चलाया है उस कीवर्ड में जितने वर्ड हैं और जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में वो ही सेम वर्ड आप कस्टमर की सर्च टर्म में अवेलेबल होने चाहिए, उससे आगे पीछे जो मर्जी हो नई मसला तो वो आपकी एड को शो करवा देगा फ्रेज वाली को भी। जी ठीक है सर, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं अगर आपने टूल किचन गार्लिक प्रेस लिखा है तो उसी सीक्वेंस में अगर कस्टमर सर्च बार में लिखेगा तो आप सामने आएंगे, अदरवाइज अगर वो टूल को पीछे टूल को आगे कर देता है किचन को पीछे कर देता है किचन टूल प्रेस गार्लिक लिखेगा तो आप नहीं आएंगे सामने। टूल और किचन को छोड़े आप साइंस को समझें कि मैं टारगेट कर रहा हूँ गार्लिक प्रेस को फ्रेज में। जी ठीक है, अगर अब फ्रेज में टारगेट करने का मतलब क्या है कि जब भी कोई बंदा गार्लिक प्रेस को इसी सीक्वेंस में अपनी सर्च क्यूरी में लिखेगा तो मेरी ऐड आ जाएगी उसके सामने। ठीक, अब गार्लिक प्रेस को मैं फ्रेज में टारगेट कर रहा था, अब कोई बंदा अगर गार्लिक प्रेस के स्टार्ट में टूल लिख दे, टूल गार्लिक प्रेस लिखे, क्योंकि मेरा टारगेट गार्लिक प्रेस था और उसी सीक्वेंस में था और उसी सीक्वेंस में कस्टमर ने लिखा है, बेशक उसने आगे टूल लिख दिया कोई मसला नहीं, फ्रेज में चल रही है गार्लिक प्रेस के इस टूल गार्लिक प्रेस के अगेंस्ट मेरी एड शो हो जाएगी। अगर कोई बंदा आगे लिखता है टूल गार्लिक प्रेस किचन तो बेशक उसने स्टार्ट में टूल लगा दिया एंड पे किचन लगा दिया पर दरमियान में वही कीवर्ड है जिसको मैंने फ्रेज में चलाया था और उसी सीक्वेंस में है तब भी मेरी फ्रेज वाली कैंपेन शो हो जाएगी। ठीक ठीक, मतलब सीक्वेंस चेंज होगा तो फिर आपकी शो नहीं होगी, अदरवाइज अगर सेम सीक्वेंस में आएगी तो फिर शो होगी। हाँ जी ठीक ठीक, मतलब प्रेस गार्लिक अगर वो लिख देगा फिर नहीं शो होगा। ठीक है सर क्लियर हो गया। हाँ प्रेस गार्लिक शो नहीं होगी अगर फ्रेज में चल रही, पर अगर ब्रॉड में चल रही है तब प्रेस गार्लिक आ जाएगी। जी 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 समझ लग गया सर। अच्छा एक और चीज क्लियर कर लें, सम टाइम हम क्या करते हैं हम एक ही कीवर्ड को ब्रॉड में भी चलाते हैं, उसी कीवर्ड को फ्रेज में भी चला देते हैं, उसी कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में भी चला देते हैं, वो आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है।
क्या आप क्या किस माइंडसेट के साथ उसको चलाना चाह रहे हैं, तो तब फिर ब्रोड वाली, अब क्योंकि वो कीवर्ड ब्रोड में भी चल रहा है, तो वो फिर उस तरह की भी एड में शो होगा जो मैंने ब्रोड के लिए समझा दी, वो फ्रेज में भी चल रहा है, वो फ्रेज वाली में भी शो होगा, वो एग्जैक्ट में भी होगा, तो एग्जैक्ट वाली में भी शो होगा। ठीक है जी, जी सर, जी सर, ठीक है, आप ये तीनों की डेफिनेशन बताएं, उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे कि किस में हमें करना चाहिए। तीसरे की डेफिनेशन सर कुछ भी नहीं है शकील साहब, बस ये तीसरे का सुन लें फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरे की डेफिनेशन कुछ नहीं है, उसका नाम ही उसकी डेफिनेशन है एग्जैक्ट। तो वो कीवर्ड जो चला है वो एज इट इज का एज इट इज जो आपने टारगेट किया है, जब आप उसको एग्जैक्ट में चलाएंगे तो वो अगर एग्जैक्ट का एग्जैक्ट ही कस्टमर लिखेगा तब आपकी एड आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मसलन अगर गार्लिक प्रेस लिखा है तो कस्टमर अगर गार्लिक प्रेस ही सर्च करेगा तब ही आपकी एड आएगी, अदरवाइज वो उसको आगे लिख दे कुछ, वो उसके पीछे लिख दे कुछ, वो उनका सीक्वेंस बदल के लिख दे, वो आपकी एड शो नहीं होगी। ये एग्जैक्ट है, क्लियर हो गया जी यहाँ तक? जी शकील जी साहब, जी सर, हो गया अब सर आप जरा रुके, मैं शकील साहब का क्वेश्चन ले लूँ पहले। जी शकील साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी। जी। सलाम वालेकुम वालेकुम सर, ये सलाम। अभी ब्रॉड में सबसे ज्यादा बेहतर नहीं है कैंपेन चलाने का मकसद, क्योंकि सर देखें, अब आप इस टॉपिक पे सारे, उसमें कोई हाँ भी सर्च करेंगे, एक वर्ड जो जी हाँ है जी वो कोई हाँ भी जी, सर्च होगा तो वो अपने आप को शुरू कर देगा। माशाल्लाह ये सारे ही हमें बता रहे हैं चैट में कि ब्रॉड बेस्ट है, लेकिन मैं सबको कहूंगा कि जरा एक दफा तीनों की डेफिनेशन सामने रखें और फिर सोचें, और ऐसे ना ही सोचें तो अच्छा है, क्योंकि हम इसको सोचते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ब्रॉड क्या है और वो क्या है। देखें टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब ब्रॉड में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड आ सकते हैं जो आप ये प्रोडक्ट के रेलिवेंट नहीं है। मैं आपको कहता हूं आपने गार्लिक प्रेस चला दिया, ठीक है, आपने गार्लिक प्रेस के ऊपर कैंपेन चला दी ब्रॉड में, सही लेकिन सर वो अगर कोई प्रेस का वर्ड जी, किसी भी सर्च टर्म के अगेंस्ट यूज करेगा, वो गार्लिक के अगेंस्ट नहीं यूज कर रहा सर प्रेस का मत। मैंने आपको बर्गर प्रेस की भी एग्जाम्पल दी है, सही है, समझ सही है, रहे ना मेरी चीज, हाँ मैं जी, क्या सही कहना सही, चाह रहा हूं। ठीक ठीक आप ठीक गार्लिक प्रेस पे ठीक चला दें ओके, ब्रॉड, किसी ने बर्गर प्रेस लिखा तो सर 90% चांस है कि वो बर्गर प्रेस पे आपकी एड आएगी। अब वो एड आएगी, वो बंदा अगर बर्गर जी प्रेस जी के माइंडसेट से हुआ तो वो कहेगा अच्छा ये क्या, चलो मैं क्लिक करके विंडो शॉपिंग तो करूं, वो क्लिक करेगा जी आपको पैसे पड़ जाएंगे। तो ब्रॉड की पैसे जो पड़ गए, कैंपेन होती है ना ठीक ये एक्सपेंसिव पड़ जाती है, इसकी स्पेंडिंग कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एट द एंड मैं फिर यही कहूंगा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेटेजी। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपने बिजनेस को स्केल करना चाह रहे होते हैं ना तब हम ब्रॉड कीवर्ड पे जाते हैं, ठीक है। इसकी सही है, मैं मिसाल मैं आपको इसकी साइंस भी समझा दूं कि हम ब्रॉड कीवर्ड पे क्यों जाते हैं, क्योंकि ये बातें दोबारा नहीं होनी। बेसिकली हम ब्रॉड कीवर्ड पे इसलिए जाते हैं कि क्योंकि जब हम ब्रॉड कीवर्ड पे कैंपेन चलाएंगे ना 7 दिन बाद हमारे पास सर्च टर्म्स आएंगी अमेजोन की तरफ से, ठीक है। हम उन जी सर्च टर्म्स में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा यार ये सर्च टर्म वो है जो मेरी नजर में तो आई नहीं जब मैंने कीवर्ड रिसर्च की, लेकिन ये सर्च टर्म वो है जिस पे मुझे क्लिक्स पड़े हैं, ये सर्च टर्म वो है यार जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है पर मैं इन्हें कैसे मिस कर गया, चलो यार मैं इन सर्च टर्म पे भी कैंपेन चला देता हूँ। आप लोग यानी कि हम ब्रॉड की कैंपेन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चला सकते हैं कि हम न्यू कीवर्ड रिसर्च करें, समझ रहे मेरा पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी, क्योंकि अमेजोन आपको सर्च टर्म की रिपोर्ट देता है, उस सर्च टर्म की रिपोर्ट में होता है कि आपका ये कीवर्ड था ये ब्रॉड में चल रहा था, लेकिन इस ब्रॉड कीवर्ड के अगेंस्ट जो कस्टमर ने सर्च टर्म यूज की उसने ये सर्च टर्म यूज की, इस सर्च टर्म पे आपको इतने क्लिक पड़े, इतनी सेल्स पड़ी, इतनी स्पेंड हुई है और इतना आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आई है, सारा डाटा अमेजोन आपको दे रहा है सर। अब आपका काम ही डाटा एनालाइज करना है। अब आप यहां से देखें कि अच्छा यार मैंने तो लिखा ये गार्लिक प्रेस लिखा था, लेकिन कस्टमर ने सर्च टर्म लेट्स सपोज यूज किया है गार्लिक प्रेस फॉर किचन, क्या यूज किया है, गार्लिक प्रेस फॉर किचन, गार्लिक लेकिन क्योंकि किचन, आपने ठीक, गार्लिक प्रेस को ब्रॉड में चलाया था तो इसलिए इस सर्च टर्म के अगेंस्ट आपकी एड आई, और ये गार्लिक प्रेस फॉर किचन ने आपको जी 10 ऑर्डर दे दिए। अब आप सोचोगे यार ये मैंने तो इस कीवर्ड को टारगेट ही नहीं किया और ये तो ब्रॉड पे इत्तफाक से टारगेट हो गया,
अच्छा यार ये सर्च टर्म मुझे अच्छी सेल दे रही है, क्यों ना मैं इस कीवर्ड को फ्रेज या एग्जैक्ट में टारगेट करूं, बल्कि नहीं मैं इसको एग्जैक्ट में टारगेट करता हूं ताकि जितने लोग एग्जैक्ट आके गार्लिक प्रेस फॉर किचन लिखें वो तो बाय करें। अब मैं गार्लिक प्रेस फॉर जी जी किचन पे खेलना चाहता हूँ, लेकिन एक अपनी बजट अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करते हुए खेलना चाहता हूँ ताकि मेरी एक कॉस्ट ज्यादा ना आए, क्योंकि ब्रॉड के ऊपर एक कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रॉडली चल रहा है, उसके ऊपर इररिलेवेंट बंदे भी आ सकते हैं, वो इररिलेवेंट कैटेगरीज में भी आपकी ऐड को दिखा सकता है, तो उसके ऊपर आप क्लिक आएंगे, आपकी सेल कम होगी, स्पेंडिंग ज्यादा होगी, आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी। जब आपको एक ओके ओके सर्च टर्म मिलेगी आपके ब्रॉड में से, आप रिसर्च करेंगे और आपको एक सर्च टर्म मिलेगी, अब उस सर्च टर्म पे आपको पता है कि मुझे अच्छी सेल आ रही है और ये सर्च टर्म मेरे रेलिवेंट भी है, उसको ब्रॉड से आप निकाल दें, ठीक है, ताकि मेरी ब्रॉड की एक कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाए, उसको आप वही एग्जैक्ट में चला दें। साइंस समझ रहे हैं मेरी? जब आप एग्जैक्ट में चलाएंगे तो सर जी जी वो आपको जो उधर सेल दे रही थी, हमें पता लग गया यार ये कीवर्ड हमें सेल देता है, अमेजोन इस कीवर्ड पे हमें सेल देता है, सर्च टर्म पे हमें सेल देता है, हमने वो ब्रॉड से सर्च टर्म निकाली और उसको हमने एग्जैक्ट में चला दिया। तो बेसिकली आप अगर ब्रॉड को स्टार्ट में चलाएं, रिसर्च ऑफ कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चला लें तो बेहतर है, अदरवाइज जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आप जाएं। ओके हो गया इसी तरह फ्रेज भी आपको सर्च टर्म्स देता है, एग्जैक्ट की सर्च टर्म का हमें फायदा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट ने तो जिस कीवर्ड पे चलाया है उसी के की एड शो करवानी, तो एग्जैक्ट पे तो हमें नए कीवर्ड मिल ही नहीं सकते, हमें नए कीवर्ड मिलते हैं फ्रेज में या ब्रॉड में, फ्रेज सेम में। फ्रेज में या ब्रॉड में सेम, ये आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी अब आ रही है मेरी आवाज जी आपको? अब आ रही। ओके अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी बातें ना मैंने आपको बतानी थी आगे जाके, लेकिन मैंने ये आज ही बता दी। एक्चुअली ये रिसर्च वाला काम हम एक और जगह करते हैं, कैंपेन की भी दो किस्में होती हैं, एक होती है ऑटो कैंपेन, एक होती है मैनुअल कैंपेन, ठीक है। तो ऑटो कैंपेन क्या होती है कि जिसमें हम कंट्रोल सारा अमेजोन को दे देते हैं, वो खुद ही हमें वो खुद ही संभाले। ऑटोमेटिकली हमें डिफरेंट मैचिंग स्ट्रेटेजीज के साथ, बिडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ, डिफरेंट कैटेगरीज में या विद इन द सेम कैटेगरी आपको फेंक रहा होता है, फिर जहां से आपको सेल पड़ रही होती है वहां पे आपको सेल देता रहता है। हम लोग स्टार्ट में ऑटो कैंपेन चलाते हैं 15-20 दिन के लिए, ताकि उस ऑटो कैंपेन से हम रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल लें और उन कीवर्ड्स के ऊपर फिर हम ब्रॉड फ्रेज या एग्जैक्ट वो उस डाटा के ऊपर जो कि ऑटो कैंपेन हमें देगी डिपेंड करता है, उस डाटा को एनालिसिस करके वो कीवर्ड या वो सर्च टर्म वहां से निकाल के उनको फिर हम मैनुअल कैंपेन में चलाते हैं। अब ऑटो के ऊपर ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट का ऑप्शन नहीं होता, मैनुअल के ऊपर ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट का होता है, ठीक है। तो पहले हम ऑटो कैंपेन ओके चलाते हैं रिसर्च के लिए, वहां से जो कीवर्ड निकलते हैं उनको फिर हम अपने मैनुअल टारगेटिंग में चलाते हैं ब्रॉड फ्रेज या एग्जैक्ट के साथ, लेकिन उसके अंदर फिर हम सब रिसर्च करते हैं ज्यादा, यानी कि और डीपली रिसर्च करते हैं कि अच्छा ये सर्च टर्म डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ हमें क्या रिस्पॉन्स देता है, इसकी रिसर्च करने के लिए हम उसको ब्रॉड और फ्रेज में चला सकते हैं। आई होप अब आपको ये मेरा सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा स्किल साहब। इंशाल्लाह। हाँ जी चलें, थैंक यू जी सर। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी, आप बताएं। जी सर मैं ये पूछ रहा था, एग्जैक्ट का आपने बताया कि वो एग्जैक्ट वर्डिंग, तो मतलब एग्जैक्ट से ही हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्ट है क्या। तो जी अगर फॉर एग्जांपल गार्लिक प्रेस है तो कस्टमर सिर्फ यही हाँ दो वर्ड्स लिखेगा तो फिर आप शो होंगे, अगर इसके आगे पीछे कुछ लिख देगा तो आप शो नहीं होंगे। सर यही है, इस एग्जैक्ट क्लियर कर देगा। यही है, अगर आपकी कैंपेन एग्जैक्ट में चल रही है तो यही मतलब। ठीक है सर। हाँ जी जी ये आज जितनी बातें थी मुझे पता है ये थोड़ी ओवरलोड हो गई होंगी, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट थी जी, ये सबको समझ आ गई है। बताएं जी, सबको समझ आ गई है? मैं ये सेशन आज का खत्म कर रहा हूँ फिर। चलें ठीक है जी, सबको समझ आ गई है जी। मिसेज नवीद आप जरा काइंडली, अगर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ।
आप मुझसे चैट की बजाय इस तरह बात कर लें, क्योंकि मैं अक्सर चैट का नोटिफिकेशन मुझसे मिस हो जाता है, तो मैंने आपको अनम्यूट किया, आप ऐसे बताएं मुझे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी सर, आ गई है समझ। एक मरतबा जब खुद देखेंगे इसको तो फिर ज्यादा क्लियरली हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज़ें अब हमारी सिर्फ दो तीन, बेसिकली ये जो मैंने पीडीएफ आप सबके साथ शेयर की है, ये पीडीएफ को पूरा तो नहीं मैं गो थ्रू करवा सकता आप लोगों को, तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो आगे पीपीसी में आपको ज़रूरत पड़नी है, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। ये मैच टाइप तक हमने कर लिया, कल हम नेगेटिव कैंपेन्स, डायनामिक बिडिंग और एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये ए कोस क्या होती है, ये एक कोर्स के बाद रो एज क्या है, रो एज के बाद हमारे पास लेट्स सपोज आ जाता है जी, ये से कोर्स पर क्लिक हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लिक थ्रू रेट भी आपको मैं बता चुका हूँ, सीटीआर क्या है जी, कि और उनके आगे फार्मूलाज हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सारी पीडीएफ खुद ही पढ़ लीजिएगा कि कितनी रो एज बेटर है, कितना एक कोस बेटर है, कितना सीटीआर रेट होना चाहिए अच्छी ऐड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए कि आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें बाद में आपने गो थ्रू कर लेनी है खुद ही, ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा जी ये सर, दूंगा कि मैंने ये सेलिक्स सेलिक्स वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड की है, तो हर एक की रिसर्च डिफरेंट है, इसलिए मैं ये सबको गो थ्रू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको जो चीजें अमेजोन की पीपीसी में यूज होती हैं टर्म्स उनको डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो डेफिनेशन सबकी सेम होनी, लेकिन कितनी क्लिक थ्रू रेट कितना होना चाहिए ऐड की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बाकी क्या कुछ कैसे बेहतर होना चाहिए, वो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो आप डिफरेंट लोगों को पढ़ेंगे आपको आइडिया जाएगा, ठीक है जी। चलें जी सर काइंडली ये पीडीएफ और वो जो लिंक है वो सेंड सर, करवा दें। पीडीएफ काफी का दिनों से नाम वो मैं आपको पेंडिंग में बता रहा पड़ा हूँ, सेलिक्स सेलिक्स नाम है जी इसका, आप गूगल से खुद डाउनलोड कर लें, मसला ही कोई नहीं, सेलिक्स लिखिए वो ना लिंक गूगल, सर शेयर करवा दें, काफी दिनों से कह रहे हैं वो मुझे उनको। आ गया उनका मैसेज, बॉस मेरा ही नहीं टाइम लग रहा, मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ, आप सबको लिंक मिल जाएगा, परेशान ना हो, लिंक के ऊपर डिपेंड ना करें, वो मैंने आपकी आसानी के लिए आपको बताया, पहले आप अच्छी प्रैक्टिस ये है कि खुद से सर्च टर्म्स बनानी सीखें, सर मेरी बात सुने ना, मैंने ये सर्च टर्म बनानी खुद से सीखी, उसके बाद जाके मुझे ये लिंक मिला, तो मैं अब इससे हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि ये लिंक मैं क्यों कह रहा हूँ सर्च टर्म बनानी खुद सीखे, क्योंकि ये लिंक सिर्फ यूएसए में काम करेगा, कल को आपने वो सर्च टर्म यूके के लिए बनानी है, दुबई के लिए, सऊदीया, इटली, जापान, फ्रांस, किस, तो तब आप कौन सा लिंक यूज करेंगे, उसके लिए तो मेरे पास लिंक ही कोई नहीं है ना, मुझे मिला नहीं उससे सर, हम रिलेटेड, इसको इसको सिर्फ हम मतलब हेल्प के लिए ही लेंगे, बाकी और वर्किंग तो हम कर रहे हैं। इसको सिर्फ हम इसमें हेल्प के लिए लेंगे देखो देखो कि इससे हमें इसमें क्या मटेरियल मिल रहा है। इसमें इसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं होनी, इसने आपके दिमाग को और ज्यादा जंग लगा देना है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ आपके कंपेटिटर्स की बैकएंड सर्च टर्म मिल जाएंगी, हेल्प क्या मिलेगी, कोई हेल्प नहीं जी जी मिलेगी। सर, सर इस पे हम डिपेंडेंट नहीं हो रहे, वो हाँ सिर्फ जी हम चेक करने के लिए कि जो बाकी है कस्टमर और सॉरी सेलर्स हैं वो क्या क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ इस पे हम हेल्प लेने के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे इस पे, हमें बाकी वर्किंग सारी जो है वो कर रहे हैं हम अपने तौर पे। आप पहले बैकएंड सर्च टर्म एक दो बनाए ना, उसके बाद आप वो मेरे साथ शेयर करें, फिर आपकी परफॉर्मेंस पे मैं देखूंगा, मैं फिर आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। सर्च टर्म्स की कोई टिप्स, कोई एक दो प्लीज। बैकएंड सर्च टर्म की यस सर, सर ये अब क्वेश्चन अपना नोट कर लें, कल कीजिएगा, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया जी, 5 बजे दूसरे बैच की क्लास है, तो काइंडली इस सेशन को वाइंड अप करें, कल कीजिएगा ये क्वेश्चन। ओके सर, अल्लाह चलें, हाफिज। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।